हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होंडा के न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट एक्स्ट्रा के बारे में, एंड जो इसका कंपटीशन हो रहा है टाटा की पंच के साथ। तो इन दोनों के कंपटीशन में आपके लिए कौन सी कार बेटर रहेगी, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यार, पहले मैं बताऊं आपको कि होंडा ने एक्स्ट्रा को मार्केट में लॉन्च क्यों किया है, एंड होंडा इस जो सम कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट है, इस सेगमेंट के लिए इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों दिख रही है। तो अगर आप होंडा की सेल पे ध्यान दोगे, तो होंडा की अगर सेल कंपेयर करोगे होंडा की कार्स के बीच में, वेन्यू, i10, ऑरा के बीच में, तो आप देखोगे कि वेन्यू का जो परसेंटेज ऑफ सेल जा रही है वो थोड़ी हाई जा रही है। एंड इसका रीजन है कि इंडियन मार्केट में आज जो डिमांड चल रही है वो ज्यादा सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स के लिए चल रही है, एंड लोग आजकल चाहते हैं एक हाई ग्राउंड क्लीयरेंस कार। तो इसीलिए होंडा चाह रही है इस सेगमेंट में अपनी एक कार लॉन्च करना। तो एंड इस सेगमेंट को फिलहाल अभी जो मैंने देखा है, जो जितना सेल्स के बारे में बात की जाए, तो टाटा पंच इस सेगमेंट में रूल कर रही है। एंड टाटा पंच की नियर अबाउट 10,000 प्लस ही यूनिट सेल हो रही है हर मंथ। तो एक बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है इन दोनों कार्स के बीच में। सो बात करें एक्स्ट्रा के प्राइसिंग की, तो ऑफिशियली इसके प्राइस अभी लॉन्च नहीं हुए हैं, बट जो प्राइस रेंज जाएगी वो 6-10 लाख के बीच में जाएगी। और इसीलिए हम इस कार को कंपेयर कर रहे हैं टाटा पंच के साथ, बिकॉज प्राइसिंग दोनों कार की सिमिलर ही होने वाली है। सो बात करें कार के डायमेंशंस की, तो इसके डायमेंशंस अभी क्लियरली पता नहीं चले हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसके जो डायमेंशंस हैं वो बहुत क्लोज होने वाले हैं टाटा पंच के साथ। हो सकता है टाटा पंच हाइट में थोड़ी ज्यादा हो, एंड जो एक्स्ट्रा है आपकी थोड़ी वेट में ज्यादा हो, बट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ डायमेंशन ही दोनों कार्स में आएंगे। सो गाइस, अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म की, तो एक्स्ट्रा जो है वो के सीरीज प्लेटफॉर्म पे बन रही है, जिसमें इसकी ऑलरेडी ऑरा एंड i10 आती है। सो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों कार की क्या सेफ्टी रेटिंग है आप सबको जानते ही हैं, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस कार के बारे में। अभी इसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो मेरे को ज्यादा होप नहीं है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कार ज्यादा स्कोर कर पाएगी। ऑन द अदर हैंड, टाटा पंच जो है वो सेफ्टी के मामले में कितनी जानी जाती है वो हम सब जानते हैं। 5-star सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है टाटा पंच। सो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखा जाए तो दोनों कारों में से बेटर चॉइस पंच ही है। एक्स्ट्रा भी आपको 1.2 लीटर इंजन के साथ आएगी, और आपको टाटा पंच भी 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है, बट हो सकता है एक्स्ट्रा में आपको इसका 1 लीटर टर्बो इंजन भी देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। बट अभी करेंटली जो लॉन्च हो रही है कार, ये 1.2 लीटर के साथ लॉन्च हो रही है। इस कार में आपको सीएनजी ऑप्शन भी मिल रहा है, एंड वी ऑल नो कि टाटा पंच का सीएनजी ऑप्शन भी जल्दी आने वाला है मार्केट में। सो अगर मैं बात करूं दोनों कार के माइलेज की, तो दोनों कार का माइलेज कहीं ना कहीं सिमिलर ही रहेगा, तो माइलेज में ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जितना पंच, जैसे मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, और पंच का जो माइलेज रहता है सिटी में, दोनों कार्स आपको इन बिटवीन 13-15 के बीच में माइलेज देगी, एंड यही एक्स्ट्रा की माइलेज रहेगी, यही टाटा पंच की माइलेज है। तो माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों कार बहुत ज़्यादा सिमिलर होने वाली है। ज़्यादा आपको ऐसा नहीं देखा कि आपको एक्स्ट्रा में ज़्यादा माइलेज मिल रही है, दोनों कार माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर ही रहेगी। बात करते हैं दोनों कार के ग्राउंड क्लीयरेंस की, तो दोनों की अगर मैं अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ ये दोनों कारें आ रही है। टाटा पंच में वी ऑल नो हमें 187 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है, एंड इसी के अराउंड ग्राउंड क्लीयरेंस आपको एक्स्ट्रा में भी ऑफर की जाएगी। सो ग्राउंड क्लीयरेंस के मामले में दोनों कार्स काफी हद तक सिमिलर है। सो गाइस, अब बात करते हैं दोनों के सर्विस कॉस्ट की। तो अगर सर्विस कॉस्ट की बात करूं, तो होंडा एक्स्ट्रा आपको हो सकता है टाटा के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव लगे, बिकॉज होंडा के जो पार्ट्स वगैरह है वो थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं इन कम्पेयर टू टाटा या किसी और ब्रांड में। जर्मन ब्रांड्स को छोड़ दो, जर्मन ब्रांड्स भी थोड़ा एक्सपेंसिव ही रहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इंडियन ब्रांड्स के से कंपैरिजन में, तो यस, होंडा के पार्ट्स थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हो सकता है आपको सर्विस कॉस्ट एक्स्ट्रा में थोड़ा ज़्यादा पड़े कंपेयर टू टाटा। बट जो एक चीज़ आपको होंडा में ज़्यादा बेटर मिलेगी वो है इसका सर्विस एक्सपीरियंस। आपको सर्विस एक्सपीरियंस नो डाउट होंडा का ज़्यादा बेटर मिलेगा, टाटा में अभी सर्विस एक्सपीरियंस उतना बेटर नहीं है, बट धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है टाटा। बट अभी करंटली आपको जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो आपको होंडा में ज़्यादा बेटर मिलेगा। बात करते हैं कार के डिज़ाइंस की, तो यार कार का डिज़ाइंस मैंने सबसे बाद में डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कार का डिज़ाइन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है कई कार कुछ लोगों को इसका डिज़ाइन अच्छा लगे, और हो सकता है कि कुछ लोगों को इस कार का डिज़ाइन अच्छा ना लगे। मेरा पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है डिज़ाइन के मामले में, मुझे इस कार का फ्रंट काफ़ी अच्छा लगा।
बट वहीं बात की जाए कार के रेयर प्रोफाइल की, तो मुझे इस कार का रेयर प्रोफाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सिमिलर टू टाटा पंच, टाटा पंच का भी फ्रंट प्रोफाइल काफी अच्छा है एंड रेयर प्रोफाइल में मुझे कमी लगती है टाटा पंच के। बट अगर कंपेयर करूँ दोनों पंच और एक्स्ट्रा के रेयर प्रोफाइल को, तो दोनों के रेयर प्रोफाइल में पंच थोड़ा ज्यादा बेटर है, एक्स्ट्रा का रेयर प्रोफाइल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बट यही बात है, डिजाइन जो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हो सकता है आप लोगों को एक्स्ट्रा का डिजाइन पसंद आ जाए। सो अगर आपको एक्स्ट्रा का डिजाइन पसंद आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी यार बात करूं अगर कार के परफॉर्मेंसेस की, तो देखो जो एक्स्ट्रा आएगी वो आपकी फोर सिलेंडर इंजन के साथ आएगी एंड फोर सिलेंडर इंजन ऑब्वियसली थ्री सिलेंडर इंजन से थोड़ा ज्यादा बेटर होता है। ज्यादा रिफाइनमेंट आपको हॉन्डाई के इंजन में मिलेगी, ज्यादा स्मूथ गियर शिफ्टिंग आपको हॉन्डाई के उसमें मिलेगी। ये चीजें कहीं ना कहीं टाटा में लैग करती है एंड ये जो एक्सपीरियंस अगर आप इसका चाहते हो अच्छा, तो वो आपको हॉन्डाई में मिलने वाला है, एक्स्ट्रा में मिलने वाला है। बट और पॉइंट जैसे मैंने आपको बताए, सेफ्टी, सर्विस कॉस्ट, ये सब आपको टाटा में ज्यादा बेटर मिलेगी। सो गाइज अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं एंड आपके क्या पॉइंट्स हैं और किस पॉइंट्स के बेसिस पे आप कार सेलेक्ट कर रहे हो। अगर आप सेफ्टी पर्पस चाहते हो, सेफ कार चाहते हो, तो आप टाटा पंच सेलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको चाहिए अपनी कार में रिफाइनमेंट, आपको चाहिए कि कार की गियर शिफ्टिंग स्मूथ हो, कार चलाने में आपको नॉइज ना हो, वाइब्रेशंस ना हो कार में, तो आपको एक्स्ट्रा डेफिनेटली पसंद आएगी। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आपके थोड़े से कंफ्यूजन क्लियर कर पाया हूँ। अभी फिलहाल कार लॉन्च नहीं हुई है, जैसी कार लॉन्च होती है इसकी टेस्ट ड्राइव वीडियोस भी आपके सामने आएंगी एंड टोटल रिव्यू करेंगे इस कार को कि ये कार की परफॉर्मेंस वाइज कैसी है। अभी तक जो पॉइंट्स आ रहे हैं, बिकॉज अभी तक कार आई नहीं है एंड अभी सिर्फ इसकी बुकिंग ओपन है, तो अभी तक जो पॉइंट्स हैं उसके बेसिस में आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था दोनों कार्स के बीच में। आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज हाँ बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार, एंड आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी सपोर्ट देता है। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए।